भगवान शंकर के त्रिशूल और श्री राम के धनुष का क्या नाम था? भगवान शंकर के त्रिशूल का नाम विजय था, भगवान श्री राम के धनुष का नाम सारंग था। यही नाम श्री विष्णु जी के धनुष का भी था। श्री राम का सारंग धनुष विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित था। इसकी लंबाई 3 हाथ की थी। प्राचीन समय में एक बार सतयुग में द्विज और देवों में युद्ध हुआ तो 25 पेखे का एक वृक्ष जिसका नाम एरंड था उत्पन्न हुआ। उसी वृक्ष के 9 पेखों से विष्णु का सारंग धनुष, भगवान श्री राम का कोदंड, 5 पेखे का अर्जुन का गांडीव, 3 पेखे का शिवजी का पिनाक, 7 पेखे का तथा बचे हुए 1 पेखे से कृष्ण जी की बंसी बनी थी। राम के सारंग धनुष के संबंध में मानस के अंतर्गत निम्न चौपाई प्राप्त होती है। कर सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामचरितमानस में ही श्री राम के धनुष को कोदंड बताया गया है और भगवान विष्णु के धनुष को सारंग कहा जाता है। तो क्या सारंग और कोदंड एक ही थे या फिर भगवान राम विष्णु के अवतार थे तो वह सारंग धनुष का भी उपयोग करते थे और उन्होंने श्री राम अवतार में जो अपना स्वयं का धनुष बनाया हुआ था उसका नाम कोदंड रखा था। श्री राम कथा जब भी चलती है और राम रावण का जिक्र होता है तो उनके धनुष कौशल का भी जिक्र होता है। कहा जाता है कि राम के पास जो धनुष था वो चमत्कारिक धनुष था। क्या आपको इसका नाम मालूम है और ये पता है कि ये किस तरह से बना था? राम और उनके 3 भाइयों को धनुष बाण के साथ अन्य शस्त्रों को चलाने की शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी थी। तब ये शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। आमतौर पर सारे धनुर्धर अपने धनुष खुद बनाते थे, बाण भी खुद बनाकर इसे अभिमंत्रित करते थे। धनुष को बनाने की भी अपनी कला थी। ये खास तरीके से बनाना आसान नहीं होता था। हर बड़ा धनुर्धर जो अपने साथ धनुष रखता था उसकी कुछ खासियतें भी होती थीं, उसका एक खास नाम भी होता था। प्राचीन काल में धनुर्धर हमेशा अपने धनुष बाण को साथ रखते थे। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था। ये बहुत प्रसिद्ध धनुष था, इसलिए श्री राम को कोदंड भी कहा जाता है। कोदंड का अर्थ होता है बांस से बना हुआ। कोदंड एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। इसे इस तरह अभिमंत्रित किया गया था। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के लिए अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया। ये कौवा सीता जी को पैर में चोंच मारकर खून बहाकर भागने लगा। इसके बाद जब इस कौवे को मारने के लिए श्री राम ने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ा तो इंद्र का बेटा जयंत डर गया। उसे जब कोई भी नहीं बचा पाया तो वो वापस श्री राम की ही शरण में गया और माफी मांगने लगा। राम ने उसे माफ कर दिया। श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत मुश्किल वक्त में ही किया है। भगवान राम ने इसी धनुष की मदद से लंका जाने के लिए समुद्र पर तीर छोड़े और उसके पानी को सुखाने के लिए संकल्प किया। इसी धनुष बाण से उन्होंने वनवास में रहते हुए कई राक्षसों का भी वध किया। इसी की मदद से उन्होंने रावण की सेना का संहार किया। राम ने अपने समय के जाने माने धनुर्धर थे, उनका धनुष उनके अलावा कोई छू भी नहीं सकता था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम सारंग था जो विष्णु जी का धनुष था,
वही श्री राम का धनुष था या फिर भगवान श्री राम का जो धनुष था उसका नाम कोदंड था। जय जय श्री राम।